हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं सर, आप बताइए। और कल जो है हम लोगों ने कुछ एक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए दिया था बच्चों, इज इट? तो बच्चों ने, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत भी किया, काम भी किया, दैट इज़ वेरी गुड, अच्छा लगा। और एमसीक्यू टेस्ट भी कल मैंने एक क्लास में लिया था, और वहाँ पे जब एमसीक्यू टेस्ट ले रहे थे तो हमारे पास एक दो क्वेश्चन आया था, फिर मैंने लास्ट में वो क्वेश्चन के लिए आप सभी बच्चों को मैंने शेयर किया वो क्वेश्चन और कुछ हल्का फुल्का डेफिनेशन। तो एक बार मैं उसके बारे में बताता हूँ। इन डेम्पोटेंट मैट्रिसेस किसको कहते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा? When स्क्वायर ऑफ A square मैट्रिक्स is ए equal स्क्वायर इज to A, इक्वल टू ए, देन ए इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा अब है ये आपने कल देखा था कि मुझे जो है बच्चों ने फिर इतने तरीके से, इतनी चालाकी से उसने सारे एलिमेंट को जीरो बना के और एक एलिमेंट को वन बना के, या आइडेंटिटी मैट्रिसेस, हिमांशु भास्कर और बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताइए। हियर इट इज गिवेन, ए गिवेन है आपका, दिस इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या होगा ये, -4 सर, कितना होगा -4 आया था। और क्या ये, देखो एक बात बताओ, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है और ये सारी चीजें पूछी हुई है, तो आप लोगों में से कितने बच्चों ने इसको किया था, बोलो। हम नहीं समझ में आ रहा था इसलिए नहीं किए थे सर। नहीं किए थे? देखिए यहाँ पे इसको हम कहेंगे निलपोटेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये जीरो क्यों आएगा बच्चों को, ये डिटर्मिनेंट अभी नहीं आया है, मैट्रिसेस के अंदर ही डिटर्मिनेंट का पार्ट है और हमने मैट्रिसेस लगभग 50% कंप्लीट कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा आज इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है ना? तो वो डिस्कशन के बाद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसको रखते हैं, क्लास में ही डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम तब तक। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या आया था? पेपर सही है, वही है ना जी, पेपर में डिफरेंट नहीं है ना, पेपर सेम है ना। यस चलिए सर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया था? जीरो आया था सर। जीरो आया था, यस सर, देखते हैं हम। तो आप लोग जीरो कैसे निकाले थे, ये डिटरमिनेंट आता है आपको निकालना, मतलब आपको ये आता है 1 0 -2 √2, है ना? मेरा अगर काम किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बता दीजिए कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो ठीक है। ये समझ में आ रहा है बच्चों किसी को, कोई कोई बच्चा? यस सर, आ रहा है। चलिए यस तो जिन बच्चों को अगर ये आ सर, रहा है तो लास्ट में उनको दिक्कत कम आएगी, और जिनको ये नहीं आ रहा है उनके साथ तो दिक्कत रहेगी, तो उसको आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये आ रहा है जीरो, ठीक है? तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालते हैं जिसको मैं डिस्कस अभी करने वाला हूं इसी क्लास में। चलिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स व्हेन, वेयर ए इज इक्वल टू आई होगा या ए इज इक्वल टू ए होगा, क्या होगा इसका आंसर? डी सर, ए ए स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल टू बी, ए। करेक्ट। तो कल हमने ये डिस्कस भी किया था, यहां पे ट्रू कौन सा नहीं होने वाला है? डी है ना, ये ट्रू यस नहीं होने वाला है। चलिए यहां बोल रहा है द सिस्टम दिस हैज वन, देखो ये सबसे पहले आप देख रहे हो ये टू वेरिएबल है, और टू वेरिएबल के लिए 10th में आपने ये सब कुछ पढ़ा है, तो अगर हम 10th को ही फॉलो करें तो ये आंसर कर सकते हैं कि 1 by -2 इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू 2 by -4। तो हम देख रहे हैं ये भी हो रहा है नो 1 by -2, दोनों इक्वल हो रहा है, और लास्ट में 11 by 22 ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा सर, नो इसका? सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। और अगर ये इक्वल हो जाता तो, इनफिनिट्स करेक्ट। मेनी यहाँ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे एक है यस जीरो
ये है टू, ये है जीरो, ये है माइनस टू, ये किसकी वो सिमेट्रिक है। दूसरा मैट्रिक्स के लिए देखिए, यह है ज़ीरो, यह है ज़ीरो, यह है माइनस थ्री और यह है मान लो थ्री, ये इसकी सिमेट्रिक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो माइनस वन ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा ज़ीरो। बताओ क्या होगा इसका आंसर, किसी बच्चे को नहीं आ रहा था क्योंकि तनु या कोई बच्चा सिक्स के लिए मुझसे पूछ रहा था कि सर सिक्स समझ में नहीं आया। तो ये क्लियर हुआ आपका, क्या होगा वो रिजल्ट बोलिए। दो एक्सक्यूज, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके भी ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल होंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, चलिए सिक्स पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सक्यूज सिमेट्रिक इज करेक्ट, सेवन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन, डैश मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कौन सा मैट्रिक्स है बताओ। नल मैट्रिक्स, क्योंकि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बोलो तो और नेगेटिव बोलो तो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना बच्चों इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में होना चाहिए डैश स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक वर्ड अगर स्क्वायर होगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स जो है ना जरूरी नहीं है वह स्क्वायर हो, तो मैट्रिक्स अगर वह स्क्वायर होगा तभी ये दोनों क्रिटेरिया को फुलफिल करेगा, यानी कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। चलिए, यस सर। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो देन के ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? के ए डैश के डैश, ये भी कर सकते हैं हम, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन, इफ ए इज दिस प्रूव दैट ए माइनस ए टू द पावर ए टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो कल हमने डिस्कस किया था बच्चों कि हाउ अ मैट्रिक्स कैन बी showed as the sum of symmetric and skew symmetric, कल किए थे हम लोग। तो उसमें हमने देखा था कि जो q का वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 1 बाई ए माइनस ए डैश। और एक बात बताओ कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे skew symmetric या symmetric में कोई चेंजेज आता है? नहीं आता है, यानी कि अगर मल्टीप्लीकेशन के पार्ट को हम हटा दें तो भी मैट्रिक्स क्या होगा, इसकी भी सिमेट्रिक ही होगा। तो ये आप प्रूव कर सकते थे, ये किए हो कर्षक, किए हो आप? बोलिए। यस सर। विपिन क्लास में है आप? विपिन आर यू देयर? आवाज नहीं आ रही है विपिन के, यानी ही इज नॉट इन द क्लास, बट इन द मॉर्निंग आई हैव सीन हिम। चलिए, विपिन है क्लास में, कहीं दूसरा काम कर रहा है, मतलब लाइन में होते हुए? यस सर, मैसेज कर रहा है, कमेंट में दिख रहा है, लेकिन बहुत क्लास नेटवर्क फॉरवर्ड है। विपिन अनम्यूट करो अपना माइक, माइक खराब हो गया है। आज कॉल करो तो पापा को या मम्मी से कॉल कराओ मेरे को आफ्टरनून में इस क्लास के बाद, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0, 1। आपको लग रहा है अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ बच्चों। ये क्वेश्चन आपने देखा एमसीक्यू में भी था, और ये क्वेश्चन इस टेस्ट में भी है, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे टेस्ट हैं तो आपको मिलते रहेंगे। तो इसका आंसर मुझे अब बिल्कुल कोई बच्चा बिना लेट किए जल्दी बताए क्या होगा। 2 to the power 9, 512। करेक्ट, 512। जानते हो 512 मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं इसको 8 का क्यूब याद रखता हूँ,
और ये मैं ऐसा क्यों करता हूँ, बच्चों को एक बहुत पहले क्वेश्चन आता था या अभी भी आप लोगों ने क्लास टेंथ में भी कुछ पढ़ा होगा कि अगर हम एक, चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। कोई बच्चे ये बनाया कि नहीं बनाया? Yes, sir, yes, sir, तो मुझे मुझे बताओ कि आपने कैसे बनाया है। आई वॉन्ट टू सी। ओके लेट मी चेक योर व्हाट्सएप बिकॉज ऑलरेडी यू हैव शेयर्ड इट विद अस, ठीक है ना। तो जो बच्चा बनाया है क्वेश्चन नंबर 12 वो मुझे बताओ कि उसने कैसे बनाया है। चलो उसका नंबर बताओ तो तुरंत उसका व्हाट्सएप चैट आ जाएगा। नंबर बताओ सर। तनु। नाम बताओ तनु। नंबर बताओ तनु। 8409। एक मिनट पूरा नहीं बताया। 8409 आ गया। चलिए देखते हैं हम तन्नू का क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें इनवर्स की कंडीशंस थी, या देख लेते हैं कैसे इसने नंबर लिया है। तो लेट मी सी। सर आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिएगा। तो मेरा नंबर कौन क्लास में है जिसके पास मेरा नंबर नहीं है? नाम बताइए। हिमांशु सर। हिमांशु कुमार आपका नंबर सर। आप मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो आप कैसे हैं क्लास ट्वेल्थ में? हिमांशु सर प्रियांशु से लिंक मांगे हैं सर तो वो दिया है। अच्छा तो मतलब आपका नंबर मेरे पास क्यों नहीं है या मेरा नंबर आपके पास क्यों नहीं है? आप क्लास 12 में शिवम कॉन्वेंट में है? नहीं सर। शिवम कॉन्वेंट में नहीं है, कहाँ है? सत्यम इंटरनेशनल सर। तो सत्यम में ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर। तो सत्यम में रेगुलर क्लास भी नहीं हो रहा है? नहीं सर। चलिए हियर इज द क्वेश्चन। ओके फाइंड द मैट्रिक्स। कल शाम में आपको एक मैसेज गया होगा सत्यम में, अगर आप हैं तो एक मैसेज गया होगा आइडेम्पोटेंट का। वो मैसेज जिस नंबर से आया था व्हाट्सएप का, वही मेरा नंबर है, ठीक है? ओके सर। चलिए एक्स इज हियर 7-8-9। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। आपका आंसर क्या आ रहा है देख लेते हैं और फिर आंसर चेक करते हैं। आपने इसमें ए बी सी डी ले लिया ना, और इससे आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके बनाया, ठीक है? और इस लीनियर सर और दूसरे पेज में है। हाँ देख लेता हूँ, तो आपके आंसर जो है वो चेक कर लेता हूँ मैं। अगर आपने सही बनाया है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 1-2, 1-2, 2-0। चेक कर लेते हैं हम इसके आंसर को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। और यही आंसर है आपका। बहुत अच्छा लगा, दिस इज रियली अप्रिसिएटिंग, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा काम कर रही हैं तन्नू। कल आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया था, दिखा मुझे वो सब कि सारे बच्चे जो हैं लगे हुए थे। चलिए हालांकि अभी हमें और बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है और हमने अभी नहीं किया है इनवर्स का पार्ट, तो वो करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज़ गिवेन सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये गिवेन है,
तो प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू देन सॉरी यू हैव टू फाइंड दिस. तो आप लोगों का आंसर क्या आया था बच्चों? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स. चलिए बहुत अच्छा है, देख लेते हैं इसका आंसर भी आई आया था. आई आया था, आई बिल्कुल सही जवाब है. बहुत सही, बहुत सही. अच्छा, टेस्ट पेपर बनाने में अच्छा लगा? मतलब टेस्ट पेपर अच्छा लगा आपको बनाने में? वैसे ऐसा टेस्ट पेपर जो है ना, और भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा. और आप लोगों को अगर और भी सब्जेक्ट में चाहिए ना, वो भी मैं दे दूंगा. मतलब मेरे पास बना है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो ये आपको जो है इन्हेंस करेगा आपका अपना नॉलेज. चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14. इफ ए इज दिस देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्री. यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल भी 9 नंबर से अलग नहीं है, ये बिल्कुल 9 नंबर जैसा ही है. नहीं, यहाँ पे a माइनस ए डैश था जो स्क्यू सिमेट्रिक था, और यहाँ पे a प्लस ए डैश है जो सिमेट्रिक है. और आपको पता है कि a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा, जैसा कि हमने बनाया था. तो सभी बच्चों का ये हो गया या दिक्कत है? तो आगे बढ़ेंगे. हो गया सर. चलिए गुड. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इट मीन्स कि जब आप ये a के फॉर्म में लोगे फंक्शन ऑफ a, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7. 7i. 7 कैसे ऐड करोगे आप लोग? 7i. 7i नहीं, सही. यानी कि 7i लेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ये जो है 2x2 ऑर्डर का है. तो पहले आपको a स्क्वायर निकालना है, फिर माइनस 5a निकालना है, और फिर 7 से ऐड करना है. तो मुझे बताओ, आप लोग के पास कॉपी है तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा. सर 0. क्या बात है, यानी कि क्वेश्चन बनाने में तब तो और मजा आ रहा होगा. जब रिजल्ट कुछ इस तरह का मिल रहा होगा तो लग भी रहा होगा कि क्वेश्चन कंफर्म सही है. नहीं, और यहाँ भी रिजल्ट 0 है. तन्नू वेरी गुड. कोमल तुमसे बना कि नहीं बेटा? कोमल आपने अटेम्प्ट किया था? सर मैंने ऑब्जेक्टिव तक किया था, ये सब नहीं किया था. कोई बात नहीं है, थोड़ा मेहनत करो. और कभी 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 ऐसा होता है कि हम कुछ कुछ चीज, कल मुझे रात 11 बजे तक आते रहा है मैसेज. ठीक है, तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से बनाया, और सभी क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन हमने लास्ट में किया है मैट्रिसेस जो 4 या 5 का वीडियो है, उसमें हमने ये कुछ बनाया था ना, ये वाला पार्ट प्रूव किया था लास्ट क्लास में. और ये आपके वीडियोस में भी जो यूट्यूब पे डालता हूँ उसमें भी ये आ गया होगा. तो ये चीज आप देख सकते हो, 18 नंबर क्वेश्चन वही है ना. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में. 15 तो हो गया हमारा, 16 नंबर को देखते हैं. 16 बोल रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स ए, और ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है. तो पहले मुझे आप ये बताओ कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 2. और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3 by 3. आप जो यहाँ मैट्रिक्स लेने वाले हो वो कितने ऑर्डर का होगा? 3 by 3. यहाँ पे जो आप मैट्रिक्स लोगे वो 2 by 3 ऑर्डर का होगा. 2 इस कारण से होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा. और 3 जो है वो इस कारण से होगा क्योंकि इसका रिजल्ट भी क्या है, 3 है, और यही रिजल्ट यहाँ पे चला जाता है. तो आपके पास 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है, और उसके बाद ये जब आप बनाओगे तो फिर आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, दिख जाएगा आपको. यहाँ पे देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, और ये मैट्रिक्स जो है वो 2x3 ऑर्डर का है. यहाँ भी लीनियर इक्वेशन से हमने सॉल्व किया इसको. ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके ये बन जाएंगे. तो बच्चों इसका मैं आंसर भी आपको शेयर करता हूँ आपके साथ. ठीक है, और इसके आंसर को भी जो है आपको दे देता हूँ. तो जिन बच्चों को ये नहीं भी बना होगा वो डाउट मुझसे इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं. चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं. तो 17 में ये बताओ कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा. क्या हमने ये पढ़ा है क्या कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा? बच्चों ऐसा कुछ होता है क्या? प्रॉपर्टीज में तो जानते हैं कि ये जरूरी नहीं है होगा.
ठीक है ना, जब प्रॉपर्टीज से हटते हैं तो यहाँ नंबर है, आप इसको चेक करके वेरीफाई करोगे तो दिखेगा कि ये भी इक्वल नहीं होगा, इन द सेम वे ये भी पार्ट इक्वल नहीं होने वाला है। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इसके पहले वाले वीडियोस में बना हुआ है। तो अब एक बात आप लोग मुझसे बताओ, कोई बच्चा अब इसमें चाहता है अगर मुझसे पूछना कुछ कि सर और ये क्वेश्चंस या दूसरे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो मैं शेयर करूं, बताऊं उसको? कोई बच्चों के पास अगर क्वेरी है तो पूछिए। सबसे पहले मैं कुछ ओरल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे और आप मुझे वो आंसर दो। पहले बताओ ये निलपोटेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में बोला था ना, अभी इसको सॉल्व किए देता हूँ, ठीक है? और ये जो सॉल्व कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट का पार्ट, उसको थोड़ा गौर से देखना। निलपोटेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर हो, और आइडियमपोटेंट क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों टर्म्स को आप ध्यान में रखना, बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में। चलिए अब हम आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ना? देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, मतलब दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैट्रिसेस जो है ना उसमें हम इस तरह के ब्रैकेट के अंदर देखते हैं नंबर, ठीक है? 1 2 3 4 ये है मैट्रिक्स ए, लेकिन अगर इसके साथ हम इस तरह का लिख देते हैं तो ये एक तरह से हो जाता है डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। तो पहले आप लोग सिंबॉलिकली आपने देखा कि क्या डिफरेंस है, बोलिए। यस सर। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसके बारे में सबसे पहले जो बात किया गया था वो था क्रैमर्स रूल। वो कौन थे? क्रैमर थे, इनका नाम था, मैथमेटिशियन का नाम था क्रैमर, और इन्होंने ही कुछ रूल दिए थे। और क्रैमर ने दिए थे, सैरस ने दिए थे, ठीक है? तो ये दोनों मैथमेटिशियन ने आपको इस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई। आपने क्लास टेंथ में वो पढ़ा, लेकिन हमने क्या उस टेंथ क्लास में एक गड़बड़ किया कि इस क्रैमर्स रूल बताने के बदले हमने उस रूल में हल्का सा बदलाव किया और हमने उस रूल का नाम ही बदल दिया। और क्या बदल के कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। क्या हमने उस नाम को बदल के कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड, यानी उसके नाम के साथ हमने थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, समझ गए ना उसके थियरी को। और बच्चों के सुविधा के लिए, मतलब बच्चों को तो सुविधा ही हुई जो हमने बना दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है? तो अब हम आज करने वाले हैं थोड़ा सा क्रैमर कैसे क्या डिटर्मिनेंट के अंदर ऐड किया गया है वो सब चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक और चीज, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इट इज नॉट अ डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। चलिए अब आते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो है ना 2x2 ऑर्डर का है, 1 2 3 4। तो पहली बात कि ये 1 4 को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? प्राइमरी डायगनल। इसको हम कहेंगे प्राइमरी डायगनल, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी डायगनल। अच्छा, आप लोगों को बच्चों एक फिल्म याद है क्या सलमान खान का, जिसमें वो क्रॉस करता है ऐसे करके, ऐसे है ना? और मुझे लगता है ये क्रॉस सिंबल होता है मारने वारने का, कुछ क्रॉस ऐसे करता है। तो आपने देखा होगा वो फिल्म, अजीब सा नाम था, कोई बच्चे को नाम याद आ रहा है बच्चों? तो उसने भी क्या किया था, पहले ये लेफ्ट टू राइट, ये जो है ना लेफ्ट से डायगनली राइट की तरफ गया था, लेफ्ट टॉप से डायगनली राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ ये आया था, ठीक है ना? गर्व, प्रोबेबली उस फिल्म का नाम है गर्व, याद है बच्चों? यस सर। कोई फिल्म देखा था कि नहीं देखा था? यस सर, देखा। तो ये जनरली उस वक्त डिटर्मिनेंट का ही क्लास चल रहा था, तो सलमान ने सोचा कि क्यों नहीं इसको हम सिंबॉलिकली बता ही दे बच्चों को। तो ये प्राइमरी डायगनल है और ये सेकेंडरी डायगनल, इसको एकदम रट लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को हम पहले प्राइमरी को करेंगे, बाद में सेकेंडरी को करेंगे, जिसका नाम देख रहे हो ना, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बना दिए थे, नहीं? चलिए अब देखते हैं हम यहाँ,
यहाँ पे जो आपके प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट दिख रहे हैं वो कौन से हैं, वन और फोर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले वन और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन इंटू फोर होगा फोर। फिर उसके बाद हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सेकेंडरी डायगोनल को, और सेकेंडरी डायगोनल कौन है, टू और थ्री। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, फिर टू इंटू थ्री हो जाएगा, फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये बता रहा है टू बाई टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना, तो जल्दी से क्विक आप लोग एक सॉल्व करके दो, जल्दी बताओ क्या होगा। माइनस ट्वेल्व सर। माइनस ट्वेल्व। माइनस ट्वेल्व यानी ट्वेल्व फोर या फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी फोर, क्या होगा? माइनस ट्वेल्व। माइनस ट्वेल्व क्या कर रहे हैं आप लोग? 24 सर, वो 1 था ना पहले, आप 4 सर, पहले 1 था, वही तो सर, पहले 1 था, 4 बना। तो मैंने ये भी तो कहा था कि तुरंत आंसर देना है, तो अगर पहले से 1 रखा रहता, चेंज नहीं करता, तो कितने सारे बच्चे सही उम्मीदवार हो जाते। नहीं तो मैं लास्ट सेंटेंस बोलने के, वर्ड बोलने के पहले वो चेंज कर दिया, तो कोई बात नहीं आपको, लेकिन ये पता तो चल गया। अब आते हैं हम थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, हमने यहाँ थोड़ा ज्यादा देखा है। सर ये हमेशा स्क्वायर ही रहेगा? नहीं, हाँ ये हमेशा स्क्वायर रहेगा। सही क्वेश्चन पूछा आपने, किन्होंने पूछा है क्वेश्चन? दिवाकर। चलिए दिवाकर, बिल्कुल सही बोला है आपने। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं दूसरे डिटरमिनेंट के बारे में, वन टू थ्री, उसके बाद सिक्स, 12, 18, 4, 5, 9, इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक बात बताऊं मैं, ये नंबर तो बड़ा दिख रहा है, 3 बाई 3 ऑर्डर का दिख रहा है, और क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नंबर भी छोटा नहीं लिया हूं, बड़ा लिया हूं। तो जानबूझ करके पता है मैंने क्या किया है, मैंने जानबूझ करके ये 1, 2, 3 जो नंबर है ना, और 6, 12, 18 जो नंबर है ना, इसको प्रोपोर्शनल बना दिया है। आप देख रहे हो 1 × 6, 2 × 6, 3 × 6, दिख रहा है? मैंने ये जानबूझ के किया है। ऐसा क्यों किया हूँ? क्योंकि अगर दो डिटरमिनेंट के रोज आपस में इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो, तो होल डिटरमिनेंट का रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो। यानी आंसर हमें पहले से मालूम हो जाए, जिससे कि गलती बच्चों के सामने तो सर की ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक सर से ना होने वाला हो। चलिए अब एक और बात बताता हूँ, आगे चलेंगे तो कुछ टर्म्स नए नए हम पढ़ेंगे। जैसे हमें एक नाम जानना है, उसको हम कहते हैं माइनर्स। बच्चों अगर आप लोग तैयार हो आज ये सब पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में बैठो। हालांकि और भी मैं इसके क्लासेस लूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं माइनर्स। तो मैं माइनर्स निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए आप, माइनर्स आई जे, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनर्स, बोलो किसका लें, हम कौन से एलिमेंट का लें? यहाँ पे आई और जे तो आप जान रहे हो, मैट्रिसेस में कौन सा फर्स्ट सेकंड, 1, 2 का लें, 2, 3 का लें, 4, 4, 4, 2, 2 का लें, 2, 1 का लें, किसका लें? बोलो एक माइनर्स बताओ, फिर मैं समझाऊं। किसका? 1, 2। चलिए 1, 2 का लेते हैं, थोड़ा सा ये ऑर्डर में नहीं है, 1, 2, यानी कि आपको लेना है माइनर्स इसका। तो जिस नंबर का आपको माइनर्स लेना है उसके रोज और कॉलम को ढक दो। तो ये हमने इसके रोज को ढक दिया और इसके कॉलम को भी हमने क्या किया, ढक दिया। ढकने के बाद आपको टोटल कितने एलिमेंट मिल रहे हैं? अच्छा एक चीज याद रखना कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो माइनर्स बता रहा हूँ, और पूरा माइनर्स एकदम करेक्ट वे में बता रहा हूँ। तो आप जो लिखने वाले हो ना, वो बिल्कुल 6 लिखोगे, 4 लिखोगे, 18 लिखोगे और 9 लिखोगे, बिल्कुल इसी तरह लिखोगे, इससे बदल के आप नहीं लिखोगे। मतलब कि 89 को पहले नहीं लिख सकते, 64 को भी बाद में नहीं लिख सकते। ये समझ में आया बच्चों? तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, इससे एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चों को ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए अब बताइए मुझे कि किसका माइनर्स लें, एक और माइनर्स बताओ जिसका माइनर्स हम लें, बोलो। M 4। किसका?
फोर है इसमें? नो सर। तो कैसे ये अब है, क्या चाहता है मुझसे, कौन सी गलती करवाना चाहता है? सर टू टू। चलिए टू टू, बच्चों इसका आंसर आप ही देने वाले हो। मैं टू टू के लिए थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ, आपको बताना होगा टू टू आपका ये प्लेस है। तो पहला काम क्या करेंगे बताओ, किसको ढकेंगे? रो और कॉलम को कवर कर देंगे सर। कौन से रो और कौन से कॉलम को कवर करेंगे? सेकंड रो कॉलम, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हमने कलर कर दिया। तो अब बताओ जो एलिमेंट बचे हैं उसका नाम बताओ, उसको लिख दें हम। तो हमने इसको लिख दिया, सही है ना? नो सर। नो सर। अच्छा पहले यहाँ पे हम वन लिखेंगे, यहाँ पे हम फोर लिखेंगे, यहाँ पे थ्री लिखेंगे, यहाँ पे नाइन लिखेंगे, बिल्कुल सही। अब एक चीज और बताओ, एक बात और मुझे बताओ कि अगर मान लिया जाए हमने बोला है एम टू थ्री का लेना है, तो आप लोग में से एक एक करके मैं बच्चों से पूछूंगा, मैं बिल्कुल सभी को मौका दूंगा। चलिए मुझे पहले बताइए अब है कि एम टू थ्री एलिमेंट कौन सा है? करेक्ट। अब मुझे बताइए तनु कि 18 एलिमेंट का हमको माइनर लेना है, तो हमें कौन कौन सा रो और कौन सा कॉलम ढकना होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हमें जो है सेकेंड रो ढकना है। तो चलिए हम सेकेंड रो को ढक देते हैं। चलिए सेकेंड रो को हमने ये ढक दिया, और कौन से कॉलम को ढकना है? थर्ड कॉलम। चलिए हमने ये थर्ड कॉलम को भी ढक दिया, ठीक है ना? चलिए अब तनु के बाद आकाश आप बताओ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट को हम लिखेंगे? सर वन टू फोर फाइव। वन टू फोर फाइव, सही है आकाश? ऐसे नहीं सर। तो सर वन टू फोर फाइव। अच्छा ठीक है, आकाश वन टू फोर फाइव दूसरे ढंग से बोल रहा है, मैं दूसरे बच्चे से पूछूं। कोमल तुम बताओ कैसे लिखेंगे बेटा? सर वन और नीचे में फोर, फिर इधर टू और फाइव। मतलब डायगनल जो सेकेंडरी डायगनल है उसके एलिमेंट को मैं बदल दूं ना, एक्सचेंज कर दूं, यही होगा ना? यस। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ही सही है। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे आप, एम जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ कि एम टू वन का मुझे अब रिजल्ट चाहिए, एम टू वन का, समझ गया क्या होगा वैल्यू आपको बताना है। बहुत सही है। अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला दे रहा हूँ, माइनर्स आपको निकालना आ गया? किसी बच्चे को दिक्कत है माइनर्स में? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ माइनर्स के जो रिजल्ट हैं उसको थोड़ा हम देखेंगे। देखो मैं छोटा छोटा चीज लिख रहा हूँ और इसको बाद में रिलेट करूंगा, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो, मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो वैल्यू होगा जल्दी से बताओ बिना टाइम लिए। थ्री। चलो इसका वैल्यू बताओ। माइनस थ्री। माइनस थ्री। माइनस थ्री। माइनस थ्री सर। और इसका वैल्यू बताओ। माइनस सेवन। माइनस वन। माइनस थ्री। माइनस थ्री सर। माइनस थ्री। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। रिपीट कीजिए। चलिए किसी को दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। माइनस थ्री। देखिए यहाँ पे इस वाले में फाइव को वन से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा फाइव जो प्राइमरी डायगनल है, और टू को फोर से करेंगे तो आएगा एट। तो अगर हम लोग यहाँ फाइव में माइनस एट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस थ्री, जो ये सही है। अगर गलती होता तो मैं टोक देता। तो क्या बच्चों सही है, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा माइनर्स में किसी भी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत है ना तो जल्दी बताओ, किसी भी बच्चे को दिक्कत है आप प्लीज बताइए, मैं उसको एक बार फिर से बताऊं, क्योंकि मैं जो चीज चाहता हूं बताना वो कभी भी नहीं चाहता कि अभी का काम खत्म हुआ तो फिर आगे भी खत्म, या कल के दिन कोई बच्चा मुझसे ये शिकायत करे कि सर ऑनलाइन में हमने कुछ सीखा नहीं, जबकि ऑनलाइन में हमने तो पूरा मेहनत किया है, हम बच्चों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिले। तो बच्चों माइनर समझ में आ गया सभी बच्चों को? सर माइनर्स का फाइनल आंसर
होगा ना, क्या होगा? माइनस का फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर आएगा वो होगा ना, जो मैट्रिक्स है वो नहीं ना सर? नहीं, माइनस निकालने के लिए तो हमने लास्ट का जो नंबर है वही आने वाला है ना, लेकिन निकालने के तरीके के लिए हमने किया था कि आपको कौन सा रो कौन सा कॉलम ढक के जो आता है उसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है। तो अब बोलेगा माइनस टू वन है तो क्या वैल्यू आएगा? थ्री। और ये हमने बोला माइनस टू टू का वैल्यू क्या आया? माइनस थ्री। और माइनस टू थ्री का वैल्यू क्या आया? माइनस थ्री। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए अब आते हैं हम लोग एक नई और बात करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, आपको पता है कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बच्चे को पता है? मैं लिखता हूं, देखो यहां, माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे। एक बात बताओ मुझे, आप लोग बताओ, आई और जे को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर इवन नंबर हो गया तो क्या होगा इसका रिजल्ट? पॉजिटिव। केवल पॉजिटिव वन है ना, और अगर ऑड हो गया वैल्यू तो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट सबको पता है, ये पता है माइनस वन टू द पावर इवन एंड ऑड का वैल्यू प्लस और माइनस में हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? नो नो। अब यहाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए कि कोफैक्टर्स को हम अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे यहाँ होगा एम आई जे। ये एम आई जे तो आप लोग को समझ में आ रहा है क्या क्या बता रहा हूं मैं? यस सर। तो कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर्स आई जे का वैल्यू हो गया माइनस वन पे पावर आई प्लस जे, और ये है माइनस आई जे। क्लियर है सब? फिर से एक बार देखिए, माइनस तो आप निकाल लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का आई और जे को जब आप जोड़ रहे हो और जोड़ने के बाद अगर ये ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस के आगे का साइन चेंज कर दोगे। जैसे मैं लेता हूं यहां से एक क्वेश्चन उठाता हूं, ये क्या है? माइनस टू वन है, तो हम लोग को फैक्टर टू वन लेते हैं। बच्चों देखिए, यहां को फैक्टर हमने लिया है टू वन का, तो आप बताओ माइनस वन पे पावर क्या लिखेंगे हम? टू प्लस वन थ्री, और माइनस को आपने सॉल्व करके क्या लाया है? माइनस वन। ये माइनस है यहां पे, 2 1 का जो माइनस है वो यहाँ है 3 3 3 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा कोफैक्टर का? माइनस 3। समझ में आ गया? तो अब मैं कोफैक्टर के साइन के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे आपको पता है कि 1 1 होता है, प्लेस क्या होता है? 1 1। तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। दूसरे वाले में 1 2 होता है, साइन क्या होगा? नेगेटिव। तीसरे में पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो ये आपको साइन के बारे में पता चल गया। हालांकि ये सब साइन जो है ना, वो साइन है कोएफिशिएंट है माइनर्स का, मतलब माइनर्स के आगे ये साइन का उपयोग करना है आपको, याद रखना। माइनर्स ऑलरेडी साइन के साथ भी हो सकता है माइनस थ्री। तो ये बताओ टू टू जो है, अगर एम टू टू का वैल्यू माइनस थ्री है तो कोफैक्टर टू टू का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव थ्री होगा, प्लस थ्री। अच्छा, 2 + 2 क्या होता है? 4। यानी कि ये आगे जो नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हो वो क्या है, माइनस वन है कि प्लस वन है? प्लस वन। तो इसका साइन चेंज क्यों होगा? साइन इसका चेंज होगा? नहीं होगा। मतलब ये साइन जो है ना, उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। मतलब ये साइन ये मत समझ लो कि अल्टीमेट साइन ये है, ये साइन क्या कर रहा है, माइनस के आगे इस साइन से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। अच्छा, मैं जो हूँ छोटे से क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ कि आपके लिए
मैं क्वेश्चन तो एक बताऊं लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका बताता हूं। देखिए ये आपके पास नंबर है और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप इसमें से कोई भी रो और कोई भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी रो और कोई भी कॉलम से इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप बताओ कि यहां पे हम लोग जो सिलेक्शन कर रहे हैं ना वो सेकेंड रो ले रहे हैं। कौन सा रो ले रहे हैं? सेकेंड रो। सेकेंड रो। अब सेकेंड रो जब भी हम सेकेंड रो लेंगे तो देखिए यहां एलिमेंट हो गया आपका 2-1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कोफैक्टर 2-1 से, प्लस एलिमेंट हो गया हमारा 2-2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कोफैक्टर 2-2 से, और एलिमेंट हो गया हमारा 2-3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कोफैक्टर 2-3 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप बताइए एलिमेंट कौन सा है यहाँ? 2-1 क्या नंबर है? 6। तो 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? कोफैक्टर ऑफ 2-1 से। आपको पता है कोफैक्टर ऑफ 2-1 क्या है आपका? -1। यहाँ देख लेते हैं हम कोफैक्टर ऑफ 2-1 क्या है। यहाँ देखिए कोफैक्टर 2-1 क्या है आपका? -3। कोफैक्टर आप कैसे निकालते हो? माइनस के आगे उस साइन से मल्टीप्लाई करते हो जो साइन -1 पे पावर आई प्लस जे से आता है, समझ गए? तो आपको माइनस मिला था 3 लेकिन साइन था नेगेटिव, साइन इसके आगे का नेगेटिव मिला तो आया -3। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 6 × -3। अब बोलिए A22 कौन सा एलिमेंट है? 12। और 12. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर 2-2 से, और अभी आपने कोफैक्टर 2-2 बनाया था तो क्या आया था आपके पास? -3। चलिए अब हम देखेंगे A23 एलिमेंट कौन सा है? 18। और हमें लेना है कोफैक्टर, माइनस तो 2-3 हमने निकाला था, कोफैक्टर 2-3 निकालना है। तो आप लोग मुझे बताओगे कि कोफैक्टर 2-3 का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। -1 × -3 क्या आएगा? 3 आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये हो गया -18, 12 × 3 क्या हो गया? -36 और 18 × 3 जा क्या होगा? 54। रिजल्ट क्या आएगा? 0। आएगा ना? तो आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए अब एक और नई बात सुनो, आप लोग बिल्कुल ध्यान देके सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। देखिए सबसे पहले ये देखना इस पूरे एलिमेंट में कि वो कौन सा रो और वो कौन सा कॉलम है जिसमें 0 ज्यादा है, समझ गए? वो कौन सा रो कंसीडर करना है या वो कौन सा कॉलम कंसीडर करना है जिसमें 0 हो या छोटा नंबर हो, हम उसी कॉलम या उसी रो के अलोंग सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट। जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपको, यहां पे एक मैं डिटरमिनेंट निकालना है हमको, सॉल्व करना है, एंड हियर इज द नंबर 1, 2, 9, 0, 4, 0, 13, 5, 1। हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। बच्चों ये बताओ कि हम किस कॉलम या किस रॉ के अलोंग इसको सॉल्व करना चाहिए? सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें 2-2 0 है, तो 2-2 0 से क्या फायदा होगा कि हमें इस कॉलम में ना केवल और केवल सॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा केवल ये 2 वाले पार्ट को, क्योंकि बाकी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे सॉल्विंग अलोंग सेकंड कॉलम। कॉलम 2 तो यहां देखो क्या होगा, 2 × कोफैक्टर ऑफ 2। आप बताओ कोफैक्टर ऑफ 2 लेंगे तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा साइन? नेगेटिव। और नेगेटिव क्या है? जो मैट्रिक्स आप माइनस लेते हो, माइनस में नंबर कौन आएगा?
फोर फाइव तीन वन यही आएगा ना? यस सर। उसके बाद तो सब आ गया आपका जीरो, जीरो के बाद को फैक्टर टू टू, फिर भी आ गया जीरो, और जीरो के बाद आ गया आपका थ्री टू, मतलब सेकंड कॉलम के अलोंग में। तो ये सब वैल्यू का रिजल्ट क्या आने वाला है? जीरो। तो हम इसको हटा देते हैं, लिखते ही नहीं है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस टू इंटू फोर वन जा फोर, माइनस थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव, जो भी आएगा सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? Yes. तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि डिटर्मिनेंट का कोई एक पार्ट बताऊं, मैं चाहता था आपको कि डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दूं थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, और वो आपकी मर्जी से हो कि आप जिस कॉलम या जिस रोज से आप चाहते हो वो डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस सर। समझ में पूरी sir. तरह से आया आप लोगों को? जी बोलिए, किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछिए। सर सॉल्विंग अलोंग सी टू नहीं समझ में आया। चलिए सॉल्विंग अलोंग सी टू को एक बार हम फिर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्विंग अलोंग जब सी टू लिखते हैं तो हमें कौन कौन सा एलिमेंट लेना है? ए वन टू एलिमेंट लेंगे और उसका कोफैक्टर हम निकालेंगे, प्लस ए टू टू एलिमेंट लेंगे और उसका कोफैक्टर हम निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए कौन सा एलिमेंट लेंगे, अब तीसरा एलिमेंट कौन है इस कॉलम टू का बताइए? थ्री टू जीरो, थ्री टू लेंगे और इसका कोफैक्टर लेंगे हम थ्री टू। यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, बोलिए। यस सर। चलिए ए वन टू जो है ना वो नंबर है टू, तो हमने यहाँ टू ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? कोफैक्टर ऑफ वन टू से। और कोफैक्टर के बारे में हमने क्या देखा है कि जब कभी भी हम कोफैक्टर निकालते हैं तो पहले माइनस वन के ऊपर आई प्लस जे करते हैं, यानी माइनस वन के ऊपर हम वन प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा साइन? नेगेटिव आएगा। यस सर। और उसके बाद उसका माइनस को सॉल्व करते हैं, और माइनस का मतलब हुआ कि हम कॉलम टू को ढक देंगे। हम कॉलम टू को क्या करेंगे, पूरी तरह से ढक देंगे, ठीक है ना? और इस फर्स्ट रो वाले को भी हम ढकेंगे, क्योंकि इसी ये टू जो है इन दोनों से बिलोंग कर रहा है। तो अब जो एलिमेंट बच गया फोर फाइव थर्टीन वन, उसको यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है? और इसको हम क्या करेंगे, माइनर्स को सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि टू और माइनस मल्टीप्लाई होकर के तो आ जाएगा माइनस टू, और ये जो आपका पार्ट है वो मल्टीप्लाई या कैलकुलेट करके आएगा फोर माइनस सिक्सटी फाइव, यानी आपका रिजल्ट होगा माइनस टू इंटू माइनस सिक्सटी वन, यानी कि प्लस वन ट्वेंटी टू, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए ए टू टू क्या है, ज़ीरो है। तो जब जीरो से आप कॉलम टू टू को मल्टीप्लाई, को फैक्टर टू टू को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो जीरो रह जाएगा ना, क्या? यस सर। अगर आप जीरो से फिर ए थ्री टू में देखो तो ये भी एलिमेंट जीरो है। तो अगर आप इस जीरो को मल्टीप्लाई करोगे को फैक्टर ऑफ किसी से तो जीरो ही आएगा ना। तो ये तो नंबर ऐसे ही निकल गया आपका, हमें कैलकुलेशन से बहुत हम लोग बच गए। नहीं, ये दोनों कैलकुलेशन से हम बच गए, क्योंकि यहां हमें पहले से दिख रहा था जीरो जीरो। अच्छा, एक बच्चा अगर इसको सॉल्व करता है अलोंग विद फर्स्ट रो, क्योंकि सारे बच्चे, अगर जो बच्चे ने प्रैक्टिस भी सीखा होगा ना तो वो यही सीखे होंगे कि रो वन से करने का। क्या बच्चों, कौन कौन बच्चा है जो मैट्रिसेस थोड़ा बहुत सीखे हुए है, वो हमेशा रो वन से निकालता होगा, बताओ? कोई बच्चा है यहां लाइन पे जो बताएगा कि हाँ सर मुझे आता है और हमने ये सीखा है, तो वो रो वन से करते होंगे। पर आपको जो है यहाँ पे रो और कॉलम डिसाइड खुद से करना है, और जिससे भी आपको इजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों क्लियर है ये? यस सर। मजा आया आज के क्लास में? समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। चलिए, मुझे संतुष्टि तभी होती है जब मैं अंत में ये पूछ के आपसे संतुष्ट हो लूं। तो आप लोगों को डिटरमिनेंट का ये क्लास मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आया, दैट इज वेरी गुड।